खंडवा के प्रसिद्ध अपना गोकुल स्वीट्स भोजनालय ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए ऑर्डर पर एक घंटे में खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ कर दी है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, जनता थाली, फुल थाली, स्पेशल थाली और डिलक्स थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, गुलाब जामुन, मलाई कोफ्ता और कई प्रकार की मिठाइयां, वो भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। तो देर किस बात की, अभी फोन कीजिए 9039596744 0733 222 1389। अस्थाई मीटर कनेक्शन को करने की मांग को लेकर गुरुवार को नागचुन रोड स्थित अहमदनगर के क्षेत्रवासी एमपीबी और कल पास पहुंचे। अहमदनगर नागचुन रोड खंशावली वार्ड के वासियों ने मोहम्मद शब्बीर कादरी के नेतृत्व में कलेक्टर और एबी के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि अहमदनगर कॉलोनी में 5 गलियां हैं, जिसमें अस्थाई बिजली कनेक्शन को स्थायी रूप से किया जाए और विगत 13 वर्षों से क्षेत्रवासी अस्थायी बिजली कनेक्शन से बिजली जला रहे हैं। कई रहवासी बीपीएल श्रेणी में आते हैं, जो 3000 से लेकर 15000 तक के मासिक बिल भरते हैं। लॉकडाउन के चलते हुए भी लोगों ने उधार रुपए लेकर किसी ने रकम गिरवी रखकर बिजली का बिल जमा किया था। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमें अस्थायी बिजली कनेक्शन से स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाए। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि अहमदनगर कॉलोनी अवैध है, जिसमें हम स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं दे सकते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग में कुछ भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों ने रुपए लेकर इसी कॉलोनी में 25 स्थायी बिजली कनेक्शन दिए हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हम गरीब हैं, रिश्वत नहीं दे सकते, ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो जांच के लिए जब अधिकारी कर्मचारी आते हैं तो वे कहते हैं यहाँ स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं दे सकते, यह कॉलोनी अवैध है, लेकिन आपको अस्थायी बिजली कनेक्शन मिल जाएगा, बिजली के खंभे पर मीटर लग जाएगा। कॉलोनी वासी पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमारे अस्थायी बिजली कनेक्शन को स्थायी किया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि कभी ऐसा नहीं होता है तो कॉलोनी वासी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर क्षेत्र के समाजसेवी मोहम्मद शब्बीर कादरी, सैयद अजरुद्दीन शेख आरिफ, रमजान मैकेनिक, सैयद इम्तियाज इरफान, मोहम्मद अली खान एवं अन्य साथी मौजूद थे। यह अहमदनगर नागचुन रोड खानसौली वार्ड में आता है। यहाँ पे क्या हुआ कि स्थाई कनेक्शन बहुत सारे दिए गए कॉलोनी के अंदर, और हमारी मांग ये है, अभी हम मतलब एमपीबी गए थे, डी साहब से हमने मुलाकात करी है, मांग ये कि जो अस्थाई जो कनेक्शन दिए गए उसको स्थाई रूप से किया जाए। हमने एमपीबी के कई अधिकारियों से चर्चा की तो वो ये कहते हैं कि कॉलोनी अवैध है, इस हिसाब से वहाँ पर स्थायी कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। उसके विपरीत वहाँ पे 25 कनेक्शन वैध रूप से दिए गए। कुछ वहाँ भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जो पैसे ले दे के कनेक्शन कर रहे, तो ये बहुत गलत है। अभी लॉकडाउन के चलते हुए लोग किसी का 37,000 का बिल आया, किसी का 11,000 का बिल आया, किसी का 23,000 का बिल आया, अपने घर में जेवर अपने रकम गिरवी रख के बिल भर रहे, तो ये सरासर नाइंसाफी। हम इंसाफ चाहते हैं, हम कि उस गरीब बच्ची, गरीब बिल्कुल बहुत गरीब बस्ती है वो, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर स्थायी कनेक्शन को स्थायी रूप से किया जाए, घर पे आया जाए। वो कैसे भी करके बिल भर रहे, आज नहीं आज से 10 साल से भर रहे। नगर निगम बोलती है कि हमने हैंडओवर कर दिया एमपीबी को, एमपी बोलती है हमने नगर निगम हैंडओवर नहीं किया। इस तरीके से इसमें नेतागिरी भी बहुत हो रही है। हमें गुजारिश चाहते हैं, हम जितने वहाँ के क्षेत्रवासी लोग चाहते हैं कि हमारा काम किया जाए, सिर्फ हमको अस्थाई को स्थायी किया जाए, और हम कुछ नहीं चाहते। बस साल हो चुके हैं, केबल भी लगी है उसके ऊपर, उन्होंने बीच कॉलोनी के अंदर पोल गाड़ दिए हैं और उसको चालू नहीं कर रहे हैं। आगे दो दो खंभे लगने हैं, अगर खंभे लग जाएंगे तो घरेलू कनेक्शन मिल जाएंगे। बाकी वहाँ ऐसे कनेक्शन मतलब अवैध रूप से कनेक्शन ऐसे करे जा रहे हैं, लोगों के प्लाटों पे से केबल आई है और उनके घर पे कनेक्शन लगा रहे हैं 12,000-15,000 रुपए लेके। और जो लीगल तरीके से अगर आवेदन कोई करता है तो उसका सर्वे करने वो एई खुद आता है, उसके अंदर सिद्धार्थ पांडे और राहुल राय है, ये दो मेन एई है खानसावली क्षेत्र के। ये दोनों बंदे मतलब कमीशन खा के ही काम कर रहे हैं। अगर कोई लीगल तरीके से अगर कोई कनेक्शन लेना चाहता है तो उसका कनेक्शन नहीं होता, दूरी नपाते 150 फुट की नहीं थी, ऐसा नियम बताते कि 150 फुट से ज़्यादा कनेक्शन नहीं दे सकते घरेलू, और वहाँ पर 300-300 फुट पे कनेक्शन दिए हुए हैं और ऐसे मीटर ऐसे आड़ में लगा है वहाँ पर कि लोगों को किसी को दिखे नहीं, दिखने वाले को।